पूजा प्रिया लाइफ स्टेज के शो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले हैं जो 24 जून को है, तो आपको ये 5 उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि धन सब कुछ आ जाएगा। जी हाँ, ये व्रत 24 जून को रखा जाएगा। इस दिन श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाएगी और व्रत रखकर मोक्ष प्रदान करने की कामना की जाएगी। योगिनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से पाप और दुख दूर हो जाते हैं। मृत्यु बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। संसारिक जीवन में व्यक्ति चाहता है कि उसके धन सुख समृद्धि में वृद्धि हो और उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, ताकि उसका जीवन किसी चीज के अभाव में ना कटे। आपको बताते चले कि ज्योतिषों का कहना है कि योगिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय से आपके धन सुख समृद्धि में बढ़ोतरी और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एकादशी व्रत के दिन आप भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। खीर में तुलसी का पत्ता डालें। इससे श्री हरि विष्णु आप पर प्रसन्न होंगे और मनोकामनाएं पूरी होंगी। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़े, एक दिन पहले तोड़ ले। दूसरा, भगवान विष्णु को पंचामृत प्रिय है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करें, प्रसाद स्वरूप पंचामृत ग्रहण करें। इससे आप पर भगवान विष्णु की कृपा होगी, धन धान्य में वृद्धि के साथ सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। एकादशी व्रत वाले दिन पूजा के समय भगवान विष्णु के साथ दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा करें। पूजा के पश्चात पीले चावल, चने की दाल, केला, गुड़, पीले वस्त्र आदि का दान करें। विष्णु कृपा से आपके सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें और वहां पर दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीष प्राप्त होगा। पांचवा, एकादशी के दिन शाम में तुलसी की पूजा करें। तुलसी की वेदिका पर घी का दीपक जलाएं और कम से कम 5 या 11 बार परिक्रमा करें। आपके धन धान्य में वृद्धि होगी, साथ ही जीवन जो है सुखमय रहेगा। आपको बताते चले कि योगिनी एकादशी 24 जून को होने वाली है और इस दिन अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो 23 जून रात 9:41 से और समापन जो है 24 जून रात 11:12 तक। वहीं व्रत का पारण की बात करें तो वो 25 जून को सुबह 5:41 से सुबह 8:12 तक है। ये वो दौर है जब व्रत शुरू करने से लेकर समापन का शुभ मुहूर्त बताया गया है। साथ ही अगर इस दौरान आप इन 5 उपायों को योगिनी एकादशी में अपनाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज एस्ट्रो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।